नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जर्नलिस्ट ग्रुप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे RRB NTPC एंड ग्रुप डी का प्रैक्टिस तीसरा देखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 30 क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। RRB NTPC ग्रुप डी का प्रैक्टिस तीसरा दोस्तों है। पहला और दूसरा नहीं देखें दोस्तों तो वीडियो डिस्कशन में पहला दूसरा का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पहला दूसरा दे सकते हैं। RRB NTPC ग्रुप डी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है? दोस्तों आपको हम प्रत्येक क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय देंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन किनका उदाहरण है? क्या क्वेश्चन है? लाइकेन किसका उदाहरण है? ए में है सहजीवी का, बी में परजीवी का, सी में जीवाणु का, डी में इनमें से कोई नहीं। तो पहले नंबर का आंसर सभी को बताइए। पहला नंबर सही आंसर क्या होगा? आपको हम प्रत्येक क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। पहला नंबर का सही आंसर होगा ए सहजीवी का। क्या होगा? ए सहजीवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दो नंबर चलते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल कितने टर्मिनल होते हैं? क्या क्वेश्चन है? एक विद्युत सेल कितने टर्मिनल होते हैं? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 5। तो दो नंबर का सभी को ये सही आंसर बताइए। दो नंबर का सही आंसर क्या होगा? दो नंबर का सही आंसर होगा ए 2। क्या होगा? ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन तीन नंबर चलते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन क्या है? रडार के आविष्कार कौन है? क्या क्वेश्चन है? रडार के आविष्कार कौन है? ए में है लैंडस्टीन, बी में अल्बर्ट टेलर, सी में मार्कोनी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो तीन नंबर का सभी को ही सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तीन नंबर का सही आंसर क्या होगा? तीन नंबर का सही आंसर होगा बी अल्बर्ट टेलर। क्या होगा? बी अल्बर्ट टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर चलते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन किस प्रकार का कण है? क्या क्वेश्चन है? चार नंबर क्वेश्चन क्या है? सॉरी दोस्तों, चार नंबर क्वेश्चन है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? क्या क्वेश्चन है? प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? ए में है ऋण आवेश युक्त, बी में धन आवेश युक्त, सी में आवेशहीन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चार नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। चार नंबर का सही आंसर क्या होगा? चार नंबर का सही आंसर होगा बी धन आवेश युक्त। क्या होगा? बी धन आवेश युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पांच नंबर चलते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? क्या क्वेश्चन है? इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? ए में धन आवेश युक्त, बी में आवेशहीन, सी में ऋण आवेश युक्त और डी में इनमें से कोई नहीं। तो पांच नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। पांच नंबर का सही आंसर क्या होगा? पांच नंबर का सही आंसर होगा सी ऋण आवेश युक्त। क्या होगा? सी ऋण आवेश युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन छह नंबर चलते हैं। छह नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन किस प्रकार का कण है? क्या क्वेश्चन? न्यूटन किस प्रकार का कण है? ए में है ऋण आवेश युक्त, बी में धन आवेश युक्त, सी में ए और बी दोनों और डी में आवेशहीन। तो छह नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। छह नंबर का सही आंसर क्या होगा? छह नंबर का सही आंसर होगा डी आवेशहीन। क्या होगा? डी आवेशहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन सात नंबर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? क्या क्वेश्चन है? प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? ए में 1945, बी में 1940, सी में 1952, डी में 1962। तो सात नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। सात नंबर का सही आंसर क्या होगा? सात नंबर का सही आंसर होगा आपको ए 1945 में। कब दोस्तों हुआ था परमाणु बम? प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो ए 1945 में। क्या होगा? ए 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आठ नंबर चलते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन है, मेरिकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? क्या क्वेश्चन है? मेरिकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? ए में वृक्षों तथा झाड़ियों का, बी में समुद्री जीवों का, सी में फलों का और डी में मधुमक्खियों। तो आठ नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। आठ नंबर का सही आंसर क्या होगा? आठ नंबर का सही आंसर होगा बी समुद्री जीवों। क्या होगा? बी समुद्री जीवों का।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, सोडा की अल्कोहल किस विधि से बनाई जाती है। क्या क्वेश्चन है, सोडा से अल्कोहल किस विधि से बनाई जाती है। ए में क्या है, आश्वासन है। बी में हाइड्रोलाइसिस है। सी में किण्वन है। और डी में ऑक्सीजन है। तो 9 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। 9 नंबर का सही आंसर क्या होगा, 9 नंबर का सही आंसर होगा आपको सी किण्वन ने। क्या होगा, सी किण्वन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। क्या क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ए में है सोडियम कार्बोनेट, बी में सोडियम बाइकार्बोनेट, सी में है सोडियम नाइट्रेट और डी में है सोडियम नाइट्रेट। तो 10 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए, 10 नंबर का सही आंसर क्या होगा, 10 नंबर का सही आंसर होगा बी सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा, बी सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हीलियम की खोज किसने की थी। क्या क्वेश्चन है, 11 नंबर का हीलियम की खोज किसने की थी। ए में है एच केडविस ने, बी में लोकियर ने और डी सी में है असी में एडमसन ने और डी में रदरफोर्ड ने। तो 11 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए, 11 नंबर का सही आंसर क्या होगा, 11 नंबर का सही आंसर होगा बी लोकियर ने। क्या होगा, बी लोकियर ने, बी लोकियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन है। क्या क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन है। ए में हृदय पेशी कोशिका, बी में तंत्रिका कोशिका, सी में रेखित पेशी कोशिका और डी में है अस्थि कोशिका। तो 12 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए, 12 नंबर का सही आंसर क्या होगा। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 5 सेकंड के समय दे रहे आपको हम। 12 नंबर का सही आंसर होगा बी तंत्रिका कोशिका। क्या होगा, बी तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग का अनुमान कितना होता है। क्या क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है। ए में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी में है 11.2 मीटर प्रति सेकेंड, सी में है 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड और डी में है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो 13 नंबर का सही सभी को सही आंसर बताइए, 13 नंबर का सही आंसर क्या होगा सभी को बताएंगे। 13 नंबर का सही आंसर होगा ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा, ए 11.2 मीटर किलोमीटर प्रति सेकेंड, ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त गण का जीवन काल है। क्या क्वेश्चन है, लाल रक्त गण का जीवन काल है। ए में है 10 से 20 दिन और बी में है 30 से 40 दिन, सी में 90 से 120 दिन और डी में 100 से 140 दिन। तो 14 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए, 14 नंबर का सही आंसर क्या होगा, 14 नंबर का सही आंसर होगा सी 90 से 120 दिन। क्या होगा, सी 90 से 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट को उड़ाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्वेश्चन है, रॉकेट को उड़ाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। ए में कोयला, बी में तरल हाइड्रोजन, सी में मिथलोन और डी में यूरेनियम। क्या होगा, डी में यूरेनियम। तो 15 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए, 15 नंबर का सही आंसर क्या होगा। तो सभी को सही आंसर बताइए, 15 नंबर का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर दोस्तों होगा बी तरल हाइड्रोजन। क्या होगा, बी तरल हाइड्रोजन, तरल हाइड्रोजन दोस्तों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में चलते हैं। 16 में क्वेश्चन है, ग्लूकोमा बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। क्या क्वेश्चन है, ग्लूकोमा बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। ए में किडनी, बी में लीवर, सी में छोटी आंत, डी में आंख।
तो 16 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 16 नंबर का सही आंसर, सही आंसर क्या होगा सभी को बताएंगे। 16 नंबर का, 16 नंबर का सही आंसर होगा डी आंख। दोस्तों आंख से होगा, ग्लूकोमा बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है, आंख से दोस्तों है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी विटामिन की कमी से शारीरिक वृद्धि में रुकावट आती है और व्यक्ति अरक्तता का शिकार हो सकता है। क्या क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से शारीरिक वृद्धि में रुकावट आती है और व्यक्ति अरक्तता का शिकार हो जाता है। तो इसका ए में है विटामिन B1, और बी में है विटामिन B2, सी में विटामिन B6 और डी में विटामिन 12। तो 17 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 17 नंबर का सही आंसर क्या होगा, 17 नंबर का सही आंसर होगा सी विटामिन B6। क्या होगा, सी विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव चेहरा कितने हड्डियों से बना होता है। क्या क्वेश्चन है, मानव चेहरा कितने हड्डियों से बना होता है। ए में 6 है, बी में 8 है, सी में 14 है, डी में 22 है। तो 18 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 18 नंबर का सही आंसर क्या होगा, 18 नंबर का सही आंसर होगा सी 14। क्या होगा, सी 14। मानव का चेहरा दोस्तों होता है कितने हड्डियों से बना होता है, 14 हड्डियों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन अवधि कितने होती है। क्या क्वेश्चन है, लाल रक्त कण की जीवन अवधि कितने होती है। ए में 120 घंटा, बी में 120 दिन, सी में 120 सप्ताह और डी में 1 साल। तो 19 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 19 नंबर का सही आंसर क्या होगा, 19 नंबर का सही आंसर होगा बी 120 दिन। क्या होगा, बी 120 दिन। लाल रक्त कण की जीवन अवधि कितनी होती है, 120 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है। क्या क्वेश्चन है, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है। ए में नोदक, बी में अंगार, सी में कोल, डी में दहन। तो 20 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 20 नंबर का सही आंसर क्या होगा, 20 नंबर का सही आंसर होगा ए नोदक। क्या होगा, ये नोदक। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है नोदक, कहलाता है नोदक। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग होता है। क्या क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग होता है। ए में शल्य चिकित्सा में, बी में सांचा बनाने में, सी में मूर्तियां बनाने में और डी में सभी। तो 21 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 21 नंबर का सही आंसर क्या होगा, 21 नंबर का सही आंसर होगा डी सभी। क्या होगा, डी सभी। शल्य चिकित्सक में भी दोस्तों होगा, सांचा बनाने में भी होगा और मूर्तियां बनाने में भी होगा, इसलिए सभी दोस्तों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार है। क्या क्वेश्चन है, पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार है। ए में बढ़ता है, बी में घटता है, सी में स्थिर रहता है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 22 नंबर का सही आंसर क्या होगा, आपको प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपको सही आंसर बताइए। 22 नंबर का सही आंसर क्या होगा, 22 नंबर का सही आंसर होगा ए बढ़ता है। क्या होगा, ए बढ़ता है, पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का भाग है। क्या क्वेश्चन है, निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का भाग है। ए में फेफड़ा, बी में छाती, सी में यकृत और डी में मस्तिष्क। तो 23 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 23 नंबर का सही आंसर क्या होगा, 23 नंबर का सही आंसर होगा ए फेफड़ा। क्या होगा, ये फेफड़ा। निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का भाग कौन है, फेफड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है,
दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है? क्या क्वेश्चन है? दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है? ए में गुरुत्व बल, बी में घर्षण बल, सी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डी में सेंट्रीपिटल फोर्स। तो 24 नंबर का सही आंसर बताइए सभी को। 24 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 24 नंबर का सही आंसर होगा सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होगा? सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जाता है? क्या क्वेश्चन है? कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? ए में फ्लिट कांच, बी में मृदु कांच, सी में कठोर कांच और डी में है पैडेक्स कांच। तो 25 नंबर का सही कोई सही आंसर बताइए। 25 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 25 नंबर का सही आंसर होगा ए फ्लिट कांच। क्या होगा? ए फ्लिट कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है आवाज की तीव्रता की इकाई क्या है? क्या क्वेश्चन है? आवाज की तीव्रता की इकाई है ए में ग्राम, सी में जूल, बी में जूल, सी में डेसिबल और सी में क्वांटम। तो 26 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 26 नंबर का सही आंसर क्या होगा सभी को बताएंगे? 26 नंबर का सही आंसर होगा सी डेसिबल। क्या होगा? सी डेसिबल। आवाज की तीव्रता की इकाई है डेसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है हमारे हृदय का औसतन वजन होता है। क्या क्वेश्चन है? हमारे हृदय का औसतन वजन होता है ए में 340 ग्राम, बी में 240 ग्राम, सी में 280 ग्राम और डी में 300 ग्राम। तो 27 नंबर का सही आंसर बताइए। 27 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 27 नंबर का सही आंसर होगा ए 340 ग्राम। क्या होगा? ये 340 ग्राम। हमारे हृदय का औसतन वजन होता है 340 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है? क्या क्वेश्चन है? रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है? ए में लाल, बी में हरा, सी में नीला, डी में काला। तो 28 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 28 नंबर सही आंसर क्या होगा सभी को बताएंगे 28 नंबर का कमेंट बॉक्स में। 28 नंबर का सही आंसर होगा डी काला। क्या होगा? डी काला। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? क्या क्वेश्चन है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है ए में हृदय, बी में अस्थिमज्जा, सी में विक्रिक, डी में पीलिया। तो 29 नंबर का सही आंसर बताइए सभी को। 29 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 29 नंबर का सही आंसर होगा बी अस्थिमज्जा। क्या होगा? बी अस्थिमज्जा। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन है सीमेंट का जमना कैसी प्रतिक्रिया है? क्या क्वेश्चन है? सीमेंट का जमना कैसी प्रतिक्रिया है? ए में उष्मा शोषी, बी में उष्मा क्षेपी, सी में अपघटन और डी में संघटन। तो 30 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 30 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 30 नंबर का सही आंसर होगा बी उष्मा क्षेपी। क्या होगा? बी उष्मा क्षेपी। सीमेंट का जमना कैसी प्रतिक्रिया है? उष्मा क्षेपी क्रिया है। वीडियो क्लास में हम दोस्तों एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। सभी को क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि सही आंसर क्या होगा। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। देखते हैं आज का प्रश्न दोस्तों क्या है। सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण होता है? क्या क्वेश्चन है? सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है? ए में नाइट्रोजन, बी में हाइड्रोजन, सी में सल्फाइड और डी में कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में सभी को बताइएगा का सही आंसर कमेंट बॉक्स में क्या सही आंसर होगा। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।